Hello friends, today I am going to share with you second video of Foreign Exchange Diary series. It's about FDI and its rules regulations. Foreign Exchange Diaries का ये हमारा second topic है, चलिए शुरू करते हैं। First of all, we are going to know about FDI and its constitution. The full form of FDI is Foreign Exchange Dealer Association of India. It was formed in August 1958 with the approval of RBI. FDI is a self-regulatory organization. FDI का main objective है foreign exchange market में एक uniform rules develop करके and उसको apply करके जो authorized dealer, customer, other players है उन लोगों को safeguard करना. Besides the rules and regulation developing, FDI is doing some other administration job like benchmark rate announcement, base rate of FCNRB deposit, month-end devaluation rate, USD INR spot closing rate for calculation of net open position, NOP. Month के end में foreign exchange liability and asset का revaluation का rate declare करता है. उसके सिवा हर दिन शाम को जब close होता है foreign exchange market, तब NOP net open position को calculation करने के जो rate है वो भी declare करता है. अब थोड़ा सा जानेंगे FCNRB deposit के बारे में. FCNRB deposit का full form है foreign currency non-resident bank account. ये सिर्फ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, बेस रेट है वो FDI डिक्लेयर करता है. जो एडी लोग है या जो मार्केट प्लेयर है फॉरेन एक्सचेंज का, वो लोग पूरा महीना बहुत सारे एसेट या लायबिलिटी क्रिएट करते हैं मार्केट में. तो ये जो लायबिलिटी एंड एसेट क्रिएट होता है वो इंडियन रुपीस में कितना उसका लायबिलिटी है ये एसेट है, ये कैलकुलेशन करने के लिए जो रेट चाहिए वो रेट FDI डिक्लेयर करता है. मार्केट ओपन होता है तब से लेके शाम को जब मार्केट बंद होता है, एडी मतलब ऑथोराइज्ड डीलर बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं. कुछ हाई ट्रांजैक्शन होता है मतलब परचेस ट्रांजैक्शन होता है, कुछ सेल ट्रांजैक्शन होता है मतलब वो फॉरेन एक्सचेंज बाय भी करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज सेल भी करते हैं. तो शाम को जब मार्केट क्लोज होता है तब ये पूरा दिन का बाय एंड सेल का जो डिफरेंस है ये डिफरेंस को ओपन पोजीशन बोलते हैं. ये ओपन पोजीशन कैलकुलेशन इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए जो रेट चाहिए होता है वो रेट भी FDI हर शाम को डिक्लेयर करता है. ओके चलिए तो आप FDI के रूल्स के बारे में कुछ बात करते हैं. फर्स्ट रूल्स है बिजनेस आवर्स के बारे में. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटर बैंक मतलब बैंक के साथ बैंक का जो बिजनेस है वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है. इसके सिवा कस्टमर के साथ जो बिजनेस है वो बिजनेस सुबह 9 बजे से शुरू करके शाम 4:30 बजे तक चलता है. नेक्स्ट क्रॉस करेंसी के लिए ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि क्रॉस करेंसी ट्रांजेक्शन इंडियन मार्केट में नहीं फॉरेन मार्केट में मार्केट के साथ होता है. तो जब इंडियन मार्केट क्लोज होता है तो बहुत कंट्री में उन लोगों का मार्केट ओपन होता है. तो क्या हुआ, इंडियन मार्केट जब 5 बजे क्लोज होता है, अगर वो क्रॉस करेंसी का भी मार्केट 5 बजे क्लोज कर दिया जाए तो बहुत सारे ओपन पोजीशन पड़ा रहेगा. इसीलिए क्रॉस करेंसी में ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं है. तो क्या होता है क्रॉस करेंसी, मान लीजिए आप जापानीज येन खरीद करना चाहते तो आप बैंक में गए तो बैंक बोला हाँ मैं जापानीज येन दे सकता हूँ लेकिन वो जापानीज येन तो इंडियन मार्केट में नहीं मिलेगा, मुझे आपको टोक्यो मार्केट से आप जापानीज येन खरीद करके देना पड़ेगा. और टोक्यो मार्केट में इंडियन रुपीज नहीं चलता है, टोक्यो मार्केट में डॉलर चलता है. तो क्या हुआ, आप इंडियन रुपीज देंगे बैंक उसको डॉलर में कन्वर्ट करेगा, वो डॉलर लेके वो टोक्यो मार्केट जाएगा, वो टोक्यो मार्केट से आपको खरीद करके देगा. तो इसको बोलते हैं क्रॉस करेंसी. ओके, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सैटरडे एंड संडे क्लोज रहता है. इसके सिवा भी दो तरह का हॉलिडे होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. FDI के गाइडलाइंस के अनुसार ये दो तरह का हॉलिडे का नाम है नॉन हॉलिडे एंड सडनली डिक्लेयर्ड हॉलिडे. नॉन हॉलिडे क्या है, नॉन हॉलिडे जो हॉलिडे आपको 3 दिन पहले से पता होगा, मतलब हॉलिडे होने से 3 दिन पहले से आपको पता होगा जो उस दिन हॉलिडे है तो ये कहते हैं नॉन हॉलिडे. और अगर वो नॉन हॉलिडे नहीं है वो है सडनली डिक्लेयर्ड हॉलिडे. मान लीजिए
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये चार तो वर्किंग डे था। लेकिन आपको मंडे को पता चला गुरुवार को छुट्टी है, तो ये जो गुरुवार का छुट्टी है इसको बोलेंगे सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे, बिकॉज गुरुवार और मंडे के बीच में सिर्फ दो दिन है। तो आप तीन दिन पहले से आपको पता नहीं था ये गुरुवार छुट्टी है, इसलिए गुरुवार की छुट्टी को हम लोग सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे बोलेंगे। अगर आपको मंडे से पहले सपोज फ्राइडे को आपको पता था कि गुरुवार को छुट्टी होगा तो ये नॉन हॉलीडे। फेडाई में टोटल 8 रूल्स है, 8 रूल्स में हम लोग ओनली फर्स्ट रूल को डिस्कस किए हैं। बाकी जो 7 रूल्स है वो रूल्स फॉरेन एक्सचेंज का जो बुक है या सिलेबस है, सिलेबस का 80% कम्प्लीट कर। ये बाकी जो 7 रूल्स है ये रूल्स के बारे में एक एक करके अलग अलग वीडियो में अलग अलग चैप्टर के साथ जानेंगे। फिलहाल ये जो बाकी 7 रूल्स है, ये 7 रूल्स क्या है, किस काम पे आता है वो जान लीजिए, फिर हम लोग अलग वीडियो में अलग अलग चैप्टर के साथ विद एग्जांपल हम लोग ये सारे के सारे रूल्स को डीपली जानेंगे। सेकेंड रूल्स अबाउट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन में एक्सपोर्ट बिल रियलाइजेशन, प्रोसेसिंग, डिस्काउंटिंग, नेगोशिएटिंग, क्रिस्टलाइजेशन, डिजोनर ऑफ बिल, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, फिक्स ड्यू डेट, ये सब क्या है, कैसे करना है, इसके बारे में बताया गया है। रूल्स नंबर 3 इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के बारे में बताया गया है, इंपोर्ट बिल कैसे रियलाइजेशन करना है, कैसे प्रोसेसिंग करना है, कैसे डिस्काउंटिंग करना है, स्टाम्प ड्यूटी क्या है, ये सारे चीज के बारे में बताया गया है। रूल्स नंबर 4 इज अबाउट क्लीन इंस्ट्रूमेंट्स। क्लीन इंस्ट्रूमेंट क्या है, जो बिल नहीं है, तक जिसके साथ बिजनेस डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है या कोई चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कनेक्टेड नहीं है, तो इसको बोलते हैं क्लीन इंस्ट्रूमेंट। जैसे फॉरेन करेंसी, चेक, TD, करेंसी नोट्स, प्रीपेड कार्ड, ये सारे चीज को क्लीन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो रूल्स नंबर 4 ये क्लीन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किए हैं। रूल्स नंबर 5 फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किए हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल करते हैं, ये सारे चीज के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 6 बात करते हैं अर्ली डिलीवरी, एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे चीज के बारे में। रूल्स नंबर 7 बिजनेस थ्रू इंटरमीडिएटरीज, मतलब एडी लोग डायरेक्टली बिजनेस ना करके ये लोग इंटरमीडिएटरीज माध्यम से जब बिजनेस करते हैं तो इंटरमीडिएटरीज कैसे होगा, कौन होगा, उसको कैसे पैसा दिया जाएगा, ये सारे चीज के बारे में बात किए हैं। मेनली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो इंटरमीडिएटरीज होता है वो एक्सचेंज ब्रोकर, मल्टी बैंक पोर्टल्स, EOM, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर मैचिंग, ये सारे चीज, इन लोगों को कैसे फीस देना है, कैसे ब्रोकरेज देना है, क्या चार्ज देना है, ये सब के बारे में रूल्स नंबर 7 बात। रूल्स नंबर 8 इज अबाउट इंटरबैंक सेटलमेंट। इंटरबैंक का सेटलमेंट कैसा होगा, इसके बारे में रूल नंबर 8 बात किए। ये दो बैंक के अंदर जो सेटलमेंट होता है वो अगर डिले होगा, रॉन्ग डिलीवरी होगा फंड, टाइम लिमिट में अगर वो क्लेम नहीं मिलेगा, सेटलमेंट नहीं मिलेगा, तो क्या होता है, क्या है इसका रिलाज, ये सारे बात रूल्स नंबर 8 में बताया गया है। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया पेडाई के बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट एंड कोटेशन। थैंक यू। If you like my video, please like, share and comment and subscribe my channel. और भी अच्छे अच्छे वीडियो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए, इवन IIBF के सर्टिफिकेट के बारे में और भी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।